हरिपर्वत से 120 किलो गांजा बरामद किया गया। थाना हरिपर्वत पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रकों के द्वारा 120 किलो गांजा उड़ीसा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने घेरबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक को पकड़ने के बाद ट्रक में 120 किलो गांजा और 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें की 3 अभियुक्त फरार हो गए। पुलिस ने एक बड़े कारोबार का करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस प्रेस वार्ता के दौरान SP सिटी विकास कुमार ने दी जानकारी। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और किस तरह से ये पूरा कार्रवाई चला था? आगरा पुलिस ने SP हरिपर्वत के निर्देशन में और SHO हरिपर्वत की टीम ने एक अंतरराज्यीय नशीला पदार्थ का गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के 4 लोगों को पकड़ा गया है। 3 लोग भागने पर फरार हुए तो उनको नामजद किया गया है और इस पूरे गैंग पर सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर तक पे कार्रवाई की जाएगी। उन सब पे जांच की जा रही है। ये अंतर्राज्यीय गैंग उड़ीसा से नशीला पदार्थ जो कि गांजा लेकर यहाँ आता है और यहाँ से ये दिल्ली NCR रीजन और आगरा में उसकी सप्लाई करता है। अभी पुलिस ने 120 किलो गांजा पकड़ा है और साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग क्रेटा गाड़ी में इतना गांजा लेकर जा रहे थे और साथ में आगे एक मोटरसाइकिल रेकी कर रही थी। तो पुलिस को जब मुखबिर की सूचना मिली तो पुलिस ने अपना बैरिकेडिंग किया और इन लोगों को पकड़ा, लेकिन आगे जो रेकी करने वाला मोटरसाइकिल था वो 3 लोग भागने में सफल हो पाए, उनको मुकदमे में नामजद किया गया है। तो ये लोग क्या पेशेवर हैं या फर्स्ट टाइम ही इनके रस्ते में? ये लोग पेशेवर हैं। इन लोग का मोटस ऑपरेंडी इस तरह का है कि ये अपने गाड़ी से, अपने ट्रक से या भाड़े पर लिए गए ट्रक से उड़ीसा जाते हैं और वहाँ सस्ते दाम में ये खरीद कर, नशीला पदार्थ खरीद कर यहाँ UP में लाते हैं और यहाँ से सप्लाई करते हैं। इनके बयानों में सामने आया है कि ऐसा ये पहले बहुत बार कर चुके हैं। पुलिस सभी बातों की तस्दीक कर रही है और उन पर कार्रवाई करेगी। आगरा में डॉक्टर